हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी के लिए रोज़ लॉ की वीडियो बनाती हूँ। लॉ एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि यदि आप कभी किसी और को समस्या में देखें या खुद को समस्या में देखें तो तुरंत एकदम इमीडिएटली किसी भी लॉयर की हेल्प मिल पाना मुश्किल होता है और लॉयर की फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और तुरंत आप किसी भी समस्या में फंसे हैं तो आपको तुरंत सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। यदि आपके पास खुद नॉलेज होगी तो आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप तुरंत अपनी हेल्प कर सकते हैं। आप चाहे कितनी भी अच्छी जॉब कर लें, चाहे आप मतलब कितने भी अमीर क्यों ना हो, आपको नॉलेज नहीं है तो आपका कभी भी मिस आपकी मतलब आपका कभी भी मिस यूज हो सकता है। यदि आपको अपने लॉ का अपने लीगल राइट का पता हो तो आपको कोई मिस यूज आपका नहीं कर सकता। आपके कोई डॉक्यूमेंट का, आपकी कोई पावर का, तो वो मिस यूज नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसी वैसी बात हो भी जाए तो आप उसको तुरंत हैंडल भी कर सकते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे डोमेस्टिक केस की, बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। जो डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये जो बुक प्रोवाइड की गई है, अमित शर्मा जी द्वारा प्रोवाइड की गई है, सीजीएम है जो कि पानीपत के डीएलएससी के, ठीक है। तो उनके थ्रू जो प्रोवाइड की गई है बुक, तो जो बुक है ये हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा ही है ये बनाई हुई, तो ये कोई बाजार में नहीं मिलती। काफ़ी अच्छी बुक है ये, ठीक है। काफ़ी कीमती है, काफ़ी अच्छी है। तो लेट्स डिस्कस आवर टॉपिक, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। जो डोमेस्टिक वायलेंस है 2005 में मतलब बना था, ठीक है। तो इसमें जो अगर भी पर्सन है, कोई भी दुखी पर्सन है, तो वो कौन होता है, जो भी मतलब जो भी कोई वुमेन है जो कि कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, जैसे कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, या कोई शादी के बाद लड़की किसी इंसान के साथ रहती है, ठीक है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। वैसे डोमेस्टिक वायलेंस जरूरी नहीं कि आफ्टर मैरिज ही माना जाता है। लड़कियाँ यदि अनमैरिड भी है और उसको अपने घर में सताया जा रहा है, ठीक है, कि इसको अपनी पसंद की शादी नहीं करने दिए जा रही, इसका टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, ठीक है। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस जो अनमैरिड वुमेन के लिए कोई स्पेशल लॉ तो नहीं बनाया गया, लेकिन फिर भी इसमें से निकाल लिया जाता है कि भाई थोड़े थोड़े जो तथ्य हैं उसकी, जो फ्रीडम ऑफ राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ जॉब की करेगी, वो अपने फाइनेंशियल रूप से स्टैंड कर पाए, तो वो कहीं ना कहीं अनमैरिड वुमेन के लिए है। तो उसके लिए कोई स्पेशल लॉ तो नहीं बना। हाँ, यदि कोई अनमैरिड वुमेन की मतलब जो कि डॉटर है, ठीक है, तो उसके कोई राइट वायलेट होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिट पिटिशन डाल सकती है। हाई कोर्ट में 226 के अंडर कि इसके फंडामेंटल राइट वायलेट किए गए हैं, और यदि सुप्रीम कोर्ट में 32 आर्टिकल जो है उसके अंडर अपना रिट पिटिशन डाल सकती है, फाइल कर सकती है, ठीक है, कोर्ट में, तो उसको प्रोटेक्शन जो है कोर्ट के थ्रू मिल जाएगी। मेनली जो इसमें है, पुलिस कम हेल्प करती है, लेकिन कोर्ट आपकी हेल्प करेगा, चाहे आप मैरिड वुमेन है, चाहे आप अनमैरिड वुमेन है, ठीक है। तो उससे आपको पुलिस भी आपको तुरंत हेल्प करेगी। अब बात आती है कि जो भी मतलब ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है। जब भी कोई दो इंसान एक ही जगह पर रह रहे हो, एक ही समय पर एक साथ रह रहे हो, कोई मतलब कोई जगह शेयर कर रहे हो, जैसे कि कोई अपार्टमेंट है, घर है, कोई भी शेयर कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ रह रहे हैं और वो किसी रिलेशनशिप में है, ठीक है, तो कुछ भी ऐसा वैसी मतलब मारपीट होती है, चाहे वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू उसको बार बार टॉर्चर करना हो, चाहे सेक्सुअली इसको असॉल्ट करना हो, चाहे फिजिकली इसके ऊपर असॉल्ट करना हो, मारपीट करना हो, तो ये सारे मतलब आते हैं डोमेस्टिक जो होते हैं के डीवी केस में आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में, ठीक है। तो इसमें अडॉप्शन और फैमिली मेम्बर जो भी एक साथ रहे हैं इसमें आते हैं, और ठीक है, हाउ इज डोमेस्टिक वायलेंस डिफाइंड अंडर डीवी एक्ट 2005, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस कैसे डिफाइंड होता है 2005 में, किसी को भी हार्म इंजर करना या उसकी हेल्थ सेफ्टी को, लाइफ को, ठीक है, मतलब नुकसान पहुंचाना, उसकी मेंटल फिजिकल हेल्थ को नुकसान पहुंचाना, कोई भी एग्रीव पर्सन है, ठीक है, तो उसको फिजिकली या सेक्सुअली या वर्बल, इमोशनल या किसी भी इकोनॉमिक तरीके से उसको अब्यूज करना, मतलब सताना, ठीक है, इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियली रूप से भाई इसको स्टैंड ना होने देना, ठीक है, इमोशनली इसको मतलब कुछ ना कुछ टॉर्चर करना, मतलब बोल बतला के, ठीक है, वर्बल मतलब बोल के, इमोशनली भाई देखते रहता ऐसा हो जाएगा, देखते रहता ऐसा हो जाएगा, ब्लैकमेल टाइप सा कि इसको इमोशनली, या मैं मर जाऊँगा, ठीक है, या मर जाऊँगी, ठीक है। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस में आते हैं। इसमें जो हैरेस होता है, हार्म होता है, इंजर होता है, या एंडेंजर जो भी है एग्री पर्सन को किया जाता है, कि भाई उसको हैरेस किसी भी तरीके से किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसकी जान मान को खतरा पहुंचाया जा रहा है, ठीक है, तो ये मतलब जो भी है उस, तो ये अनलॉफुल डिमांड है,
ठीक है। कभी कभी ये जो अनलॉफुल जो डिमांड होती है दहेज के लिए भी की जाती है, उसकी प्रॉपर्टी वही लेके आपने जो वैल्यूएबल तरीके कोई सिक्योरिटी है, लाइक तूने कोई एफडी बना रखी है ठीक है, उसको तुड़वा के मुझे दे, तो ये जो भी मतलब हैरेस है, हार्म पहुंचाना है किसी भी तरीके से, उसको गलत डिमांड करनी है, तो ये डीवी केस में फाइल होता है डोमेस्टिक वायलेंस में। उसको किसी तरीके से मतलब थ्रेट करना कि भाई तेरा मैं ये बिगाड़ दूंगा ये बिगाड़ दूंगा, ठीक है, ये भी डीवी केस में फाइल होता है। कोई भी जो अदरवाइज कोई भी इंजर मतलब कोई भी हार्म किसी भी तरीके से को मेंटली फिजिकली हार्म करा जा रहा है ठीक है, तो ये सभी डीवी केस में आते हैं। अब जो फिजिकल अब्यूज भाई जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है डीवी केस के अंदर, उसमें क्या होता है फिजिकल जो हेल्थ में उसको भी क्या किया जाता है, उसकी बॉडी के ऊपर जैसे कि नाखून मार देना, मारपीट करना, लोहा हथौड़ा कुछ भी मार देना ठीक है, उसके जान मान को हानि पहुंचाना, लेके जहर दे दिया कुछ भी दे दिया ठीक है, ये इसकी हेल्थ को बेकार कर दिया कुछ उसको खिला पिला के ठीक है, तो ये फिजिकली असोल्ट में है ठीक है, उसकी हेल्थ को बिगाड़ा जा रहा है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस ही कहलाएगा। सेक्सुअली अब्यूज क्या होता है, ये भी डीवी केस में आता है ठीक है। सेक्सुअली अब्यूज में क्या होता है, किसको है मतलब ह्यूमिलेट करना, भाई तेरी आकृति ऐसी है तो इतनी बेकार दिखती है, तो सुंदर नहीं दिखती ठीक है, वो देख कितनी सुंदर दिखती तो मैंने पता नहीं क्या है तेरे से शादी कर ली ठीक है। स्पोर्ट मतलब ये जो है इसको सेक्सुअली अब्यूज करना, डिग्रेड दिखाना अदरवाइज मतलब उसकी डिग्निटी को, भाई उसकी जो लड़की है उसकी मतलब मतलब दूसरे के सामने उसको नीचा दिखाते रहना, हर समय उसका मजाक सा बनाना, तो ये कहीं ना कहीं सेक्सुअली अब्यूज है ठीक है। फिर वर्बल इमोशनल जो अब्यूज होगा वो क्या होगा, किसको इंसल्ट करना भाई, जैसे इसका गलत गलत तरीके से नाम बुलाना, उसको पागल कहना ठीक है, उसको इंसल्ट करना लोगों के सामने या घर में भी इंसल्ट करना, उसके जो फैमिली वाले हैं उसके ऊपर ये कहना तो भी कैसे घर से आई है, तेरे घर वाले तो पागल हैं, ये है शराबी कबाबी ठीक है। हाँ कभी कभी शराब भी खराब भी होते हैं किसी लड़की घर वाले, लेकिन ठीक है एक दो बार कहते एक अलग बात है, लेकिन हर समय उसको यही टॉर्चर दे मतलब बोल बोल के टॉर्चर करना, तो ये वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज में आ जाएगा ठीक है। तूने बच्चा लड़का क्यों नहीं पैदा किया, लड़की क्यों पैदा की, ये भी इमोशनल अब्यूज में आ जाएगा ठीक है। तो जो रिपीटेड जो थ्रेट होता है कि इसको फिजिकली पेन दे किसी भी पर्सन को, तो एग्री पर्सन को ये इमोशनल वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये मतलब अब्यूज है इसमें आएगा ठीक है। इकोनॉमिक अब्यूज जो मेनली जो होता है वो क्या होता है कि भाई उसको फाइनेंशियली को रिसोर्स ना देना, जैसे कि घर में कोई चीज़ है उसको यूज ना करने देना ठीक है, और फाइनेंशियली रिसोर्स जैसे कि भाई उसका खर्चा पानी पूरा ना करना ठीक है, बच्चों की कोई फीस वगैरह हो उनको मतलब समय पर ना करना, उसका कोई स्त्री धन है उसको मतलब अपने कब्जे में रखना ठीक है, और जो रेंट वगैरह है पे वगैरह है मेंटेनेंस वगैरह है ठीक है, तो वो समय पे पे नहीं करना, सारा उसके ऊपर ही छोड़ देना कि तू ही पे कर, मैं क्यों करूँ, मैं तो आदमी हूँ, जबकि मतलब तो दोनों का वैसे बनता है कि दोनों कमा लें ठीक है, लेकिन जब सारी जिम्मेदारी बिना बात के उसके ऊपर ही कर दी, उसको कमाने धमाने भी नहीं दिया जा रहा, उसको पढ़ने भी नहीं दिया जा रहा ठीक है, तो भाई एक प्रकार से अपने ऊपर डिपेंड बनाया गया, और कोई भाई डिपेंड बना के भी अपना उसकी कोई मतलब जरूरतें पूरी नहीं की जा रही, तो ये इकोनॉमिक अब्यूज में आ जाएगा ठीक है। तो इसमें जो है भाई उसकी जो हाउस होल्ड जो कोई इफेक्ट हो, जैसे कि इसके ऊपर कोई कोई घर में कोई चीज़ हो मतलब या मूवेबल हो या सिक्योरिटी बॉन्ड हो या कुछ भी है उसकी, कोई भी जो उसकी मतलब उसका लड़की का कोई भी धन हो ठीक है, कोई चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे उसका कोई कमाया धन हो ठीक है, तो उसको मतलब खुद के काम के लिए यूज कर देना, उसको खुद उसकी खुद की जरूरतें ना पूरी करने देना ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन डालना, मतलब प्रोहिबिशन की मतलब उसको मना करना कि भाई तू घर में जो भी चीज़ें हैं तो उसको यूज नहीं कर सकती ठीक है, तो इस तरीके से भाई उसका मतलब घर में हक होते भी हक नहीं है उसका ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये डोमेस्टिक वायलेंस में कवर होता है। ओके जो इसमें वेरियस रिलीफ हैं, इसमें जो अग्री पर्सन को क्या मिलते हैं, जो डीवी एक्ट दोबारा से इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ था, थोड़ा सा एक्ट में और भी चेंजेज आए थे, थोड़ा और भी फैसिलिटी दी गई थी 2015 में ये बना था, कि जो रिलीफ दी गई थी वो क्या है, ये जो रिलीफ है मॉनेटरी रिलीफ है, कस्टडी ऑर्डर है, रेजिडेंट ऑर्डर है, कंपेंसेशन है ऑर्डर है ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे ऑर्डर हैं इसके लिए बनाए गए थे ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा विस्तार से करेंगे, जो ये रिलीफ दिए गए थे 2015 वाला ठीक है, अभी जो हम थोड़ा इसके बारे में थोड़ा अभी ये पार्ट वन है, पार्ट टू भी बनाएंगे ठीक है। तो इसमें मैजिस्ट्रेट को पावर है कि भी इसको इंटरिम ऑर्डर में भी डीवी एक्ट के 2005 के अंदर कि भाई इसको इंटरिम ऑर्डर है जो सेक्शन 23 डीवी एक्ट का, तो भी इसको मतलब इसको इंटरिम ऑर्डर भी दिया जाए कि भी इसकी जो ज़रूरतें पूरी की जाए ठीक है, जो भी प्रॉपर और जो सही समझी जाए ठीक है।
और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये कहाँ फाइल किया जा सकता है? ये पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर को, प्रोटेक्शन ऑफिसर को. प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या होता है? जो वुमेन एंड जो चाइल्ड वेलफेयर के ये जो होते हैं, मतलब जो पुलिस स्टेशन होते हैं, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो. और वहाँ फ्री लीगल एड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि लड़कियों को फ्री लीगल एड मतलब फ्री लॉयर मिलता है, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं. तो जो सर्विस प्रोवाइडर है, मैजिस्ट्रेट के पास जो रीडर होते हैं, उनको आप अपनी कंप्लेन दे सकते हो. साथ में ये भी कह सकते हो कि यदि आपको जल्दी नहीं मिला वकील, तो आप नेल्सा की वेबसाइट पर भी रजिस्टर कर सकते हैं. और यदि और साथ में रीडर को भी अपनी कंप्लेन दे सकते हैं, मैजिस्ट्रेट के जो रीडर साहब होते हैं, जिसको ठीक है, उनको अपनी कंप्लेन दे दीजिए कि भी मुझे जल्दी से जल्दी वकील चाहिए, मेरी ये प्रॉब्लम है, उनको लिखित में दे दीजिएगा. और उसकी जो रिसिप्ट मिल बनती हो तो ले लीजिएगा, ठीक है. पेटिशन जो होता है, वहाँ पेटिशन एक बॉक्स भी होता है, ठीक है. दिल्ली जैसे जगह तो पेटिशन बॉक्स जल्दी खोला जाता है, जो कि मैजिस्ट्रेट के पास होता है पेटिशन बॉक्स. लेकिन जैसे कि हरियाणा हो गए या यहाँ के हो गए, इनमें कहीं कहीं जगह खोला जाता है पेटिशन बॉक्स, कहीं कहीं जल्दी नहीं खोला जाता, काफ़ी काफ़ी दिन हो जाते हैं, ठीक है. तो रीडर सर को देना सही रहता है. और नालसा की जो वेबसाइट है NALSA, ठीक है, वहाँ जो वेबसाइट है अबाउट मतलब उसमें आप देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन होगा, तो लॉगिन एक उसके लिए अथॉरिटी के लिए, हमारे आम जैसे पर्सन के लिए है. तो वहाँ पर आप लॉगिन करके वहाँ पे आप वो कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं फ्री लीगल एड के लिए. साथ में रजिस्टर करके आपको एक डायरी नंबर मिलेगा, उसको ट्रैक ऑर्डर के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं, जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है, ठीक है. तो इसमें जो पेनल्टी है, यदि कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर को के ऑर्डर को ब्रीच कर दे, तो उसमें जो रिस्पॉन्डेंट पार्टी है उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, ये भी बात कर लेते हैं. तो ये जो प्रोटेक्शन ऑर्डर का जो ब्रीच कर दे, मतलब उसकी बात को ना माने तो, ठीक है, या उसका जो इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर है उसको ना माने तो जो रिस्पोंडेंट द्वारा, तो ये एक ऑफेंस है, ठीक है. तो ये पनिशेबल होगा. इसमें जो मतलब इम्प्रिजमेंट है वो 1 साल से ऊपर की बढ़ाई जा सकती है. और जिसमें फाइन लगेगा 20,000 भी लग सकता है, दोनों लग हो सकता है कि ये 20,000 भी लग जाए, साथ में जेल भी हो जाए, दोनों भी हो सकता है, ये दोनों में से एक भी दे दी जा सकती है, ठीक है. और चीज़ें उसमें अपील है भी ऑर्डर के जो मतलब जो ये अंडर द एक्ट जो भी ऑर्डर पास हुआ है, तो इसके लिए जो अपील की जा सकती है वो सेशन जो कोर्ट है, ठीक है, 30 डेज में उसके ऊपर अपील की जा सकती है जब ये ऑर्डर निकला था. तो ये जो इसमें मैजिस्ट्रेट के द्वारा भाई सर्व किया जाएगा कि जो एग्री पर्सन है और रिस्पोंडेंट द्वारा ये कोई भी अपील की गई है, तो उसको देखेंगे भी इसमें क्या हो सकता है या नहीं हो सकता. जो कोर्ट के सेशन कोर्ट है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो मतलब वो होते हैं लर्न जो कर रहे हैं, मतलब भी एक तो लर्न होते हैं जो कि जूनियर क्लास टाइप होते हैं, और एक होते हैं कि सेशनल जज होते हैं. तो आप उनको सेशनल जज को भी अपनी दे सकते हो कि भाई इसके ऊपर अपील है, इसके ऊपर कुछ विचार किया जाए, ठीक है. तो जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है जो ग्रांट होता है सेक्शन 18 के अंडर अंडर, ठीक है, तो उसका क्या उसका ऑर्डर ड्यूरेशन क्या है? तो ये जो भी प्रोटेक्शन ऑर्डर के द्वारा भी प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है अंडर सेक्शन 18 जो कि फोर्स में आया है, जो कि फोर्स में होगा भाई, जब तक एग्री पर्सन जो भी है एग्री पर्सन के डिस्चार्ज के लिए भाई, उसके डिस्चार्ज के लिए ये मतलब उसमें रहेगा, फोर्स में रहेगा, ठीक है. तो जो थोड़ी सी इसकी जो बात रह गई है जो इसमें हम आपको बताना चाहते हैं, वो थोड़ा सा हम आपको जो सेकंड वीडियो में बताएंगे. तो आज के लिए वीडियो को इतना ही समझ लीजिए कि भाई मतलब डोमेस्टिक जो वायलेंस केस है, अनमैरिड वुमेन हो चाहे मैरिड वुमेन है, जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है किसी लड़के के साथ, उसे घर परिवार के साथ रह रही है, शादी के बाद या शादी से पहले भी, ठीक है, और उनका कोई रिश्ता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ये सारे डोमेस्टिक उसके कोई भी गलत उसके साथ मिसबिहेव हो, ठीक है, कि वर्बल हो चाहे उसको मतलब सेक्सुअली हो चाहे इकोनॉमिक हो इमोशनली हो, जो भी है वो डोमेस्टिक केस जो है वायलेंस एक्ट है ये 2005 में आ सकता है. कहीं कहीं लोग जैसे कि आजकल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दी है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना गलत नहीं, उसके साथ जो उससे जो बच्चा होगा तो वो उसके पिता जो है भाई, उसका जो पिता है मतलब लड़की ने जिसके साथ रह रही थी, तो उसकी वही उस लड़के का बच्चे का पिता होगा, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी का भी वो अधिकारी होगा, ठीक है. और जब तक लड़की है, जैसे कि अभिलाषा जो जजमेंट निकली है, ठीक है, अभिलाषा जो जजमेंट निकली है ये भी 2020 में, मतलब जो लड़कियां हैं जब तक शादी नहीं कर लेती, ठीक है, तब तक उसकी मेंटेनेंस लड़के पर रहेगी, जिसके उस लड़की जिस मतलब जिस लड़की लड़की मतलब जो दोनों एक साथ रह रहे थे, ठीक है, जो भी इस लड़की का बाप है, ठीक है, लड़की जिसके साथ रह रही थी मतलब वही बाप है, तो उसके ऊपर ही मेंटेनेंस का भार रहेगा, जो 125 है मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 125 सेक्शन, ठीक है, तो जो है सेक्शन 125 मेंटेनेंस के लिए, तो उसमें उस लड़की को जब तक वो लड़की शादी नहीं कर लेती तब तक उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा उस लड़के को, ठीक है, उसके पति को मतलब, ठीक है. और लड़के हैं लड़कों के लिए तो मतलब यही है कि भाई जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, ठीक है, उतने तक ही है,
कि भाई 18 साल तक ही है कुछ, और जो लड़कियां हैं जब तक शादी नहीं कर लेती तब तक का है। तो हमारा जो चैनल है आपको नॉलेज देने के लिए, पार्ट वन अभी ये ख़त्म हो चुका है। तो devanshi.com को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा, साथ में डिजिटल लिटरेसी ज्ञान को भी, इंडियन कंज्यूमर एक्सपीरियंस को भी। आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जजमेंट कोई आपको पढ़ना हो, आप उसके लिंक चाहिए तो आपको वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि अभिलाषा जो जजमेंट है, डोमेस्टिक केस जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 2015, तो इसके भी मतलब उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं जो भी है सब कुछ, वो भी इसका PDF हम आपको मतलब उसमें दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हम आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमें चाहते हैं कि आप नए नए टॉपिक्स पे मतलब देख पाएँ, जैसे कि कोई ट्रैवल से रिलेटेड कोई पोस्ट हो या वीडियो हो, या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, या फैशन रिलेटेड, या एजुकेशन रिलेटेड कोई भी वीडियो हो, तो हम इंस्टाग्राम, लिंकडिन और पिंटरेस्ट और FB और इंस्टाग्राम पर डालते रहते हैं, तो आप उसको भी लाइक फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। साथ के साथ जो हमारा ये चैनल है devanshi.com, इसको भी जरूर शेयर लाइक करिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, आपको भी कुछ नया नया जानने को मिलता रहे। जितना हमारा ये चैनल ग्रो करेगा, हम उतना ही आपके लिए और नई नई वीडियो और नई नई जानकारी लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बनते हैं और बनाते हैं कुछ और नई वीडियो, पार्ट 2 भी बनाना भी, तो उसके ऊपर भी आपको हम समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।